गुणों की पालन करने, उत्तर गुणों को पालन करने की जिनकी इच्छा नहीं होती है, पर मूल गुण में कुचित कदाचित दोष लगते हैं। आज पंचम काल में जितने भी मुनिराज मिलेंगे विपुलाक भावलिंगी मुनिराज मिलेंगे, और उसके बाद बकुश जो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं लेकिन उत्तर गुणों के पालन में कुचित कदाचित दोष लग जाते हैं। और सुशील की चर्चा करिए, सुशील मुनि दो प्रकार के हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरे कसाय कुशील। आप विचार करना, मैंने पहले ही आपसे कहा था जो कुशील पाप कहलाता है उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब प्रतिसेवना कुशील किसे कहते हैं? इसके मूल गुण तथा उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं, ध्यान से सुनना, जिनके मूल गुण और उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण होते हैं, परंतु उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता है, उसे प्रतिसेवना कुशील कहते हैं। अब कसाय कुशील किसे कहते हैं? जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो बस में कर लिया है, अनंतानुबंधी कसाय को बस में कर लिया, अब प्रत्याख्यान कसाय को बस में कर लिया, प्रत्याख्यान को बस में कर लिया, लेकिन स्वयं संज्वलन कसाय को बसीभूत है। तो जिन्होंने अन्य कसायों के उदय को तो बस में कर लिया हो किंतु संज्वलन कसाय के उदय को बस में नहीं किया हो, उसे कसाय कुशील कहते हैं। और निर्ग्रंथ जिसके मोहिनी कर्म का तो उदय ही नहीं होता है तथा शेष अघातिया कर्म भी अब जल की रेखा की तरह रह जाते हैं, ऐसे बारहवें गुण स्थानवर्ती को निर्ग्रंथ कहते हैं। और स्नातक अब जिसकी कॉलेज की पढ़ाई आदि पूर्ण हो गई है, प्रोफेसर पदवी जिसको प्राप्त हो गई है, ऐसे समस्त घातिया कर्मों का नाश करने वाले केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। ऐसे पंच मुनिराजों की चर्चा यहाँ पर हुई। और ये मुनि महाराज जो होते हैं मोक्ष जाते हैं, उनके भेद देखिए कि किस प्रकार से मुनियों में विशेषता आती है। विपुला संयम, सुरत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, स्थान, विकल्पता, साध्या, अर्थात जो पुला का आदि मुनिराज हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं जानना। कहते हैं संयम की अपेक्षा से संयम, सुरत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेपाद स्थान, विकल्पता, साध्या, अर्थात जो मुनिराज हैं संयम की अपेक्षा से। अभी सूत्र में भी बड़ा सिद्धांत घुसा हुआ है, संयम पांच, संयम वैसे तो संयम मार्गणा के सात भेद हैं, संयम के पांच, सामायिक, छेदो विस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय, यथाख्यात। तो यहाँ संयम का मतलब होता है कोई सामायिक संयम से, कोई छेदोपस्थापना संयम से, कोई परिहार विशुद्धि से, कोई क्षीण मोह से, कोई सूक्ष्म संप्रदाय से, कोई यथाख्यात से मुक्ति को प्राप्त करता है। फिर आता है सुरत, सुरत का मतलब रहता है कोई मति ज्ञान सुरत ज्ञान से, कोई अवधि ज्ञान से, कोई मना पर्याय ज्ञान आदि से। फिर प्रतिसेवना, फिर तीर्थ, कौन के तीर्थ में हुए मुनिराज, आप लोग सम्मिलित शिखर जाते हैं और पढ़ते हैं कि स्टॉक से इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने हजार, इतने लाख मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए, तो लोगों का प्रश्न होता है कि इतने सारे मुनिराज एक साथ बनेंगे कैसे, कैसे बैठे होंगे छोटी सी स्थान पर जहाँ पर दो तीन श्रावक तो बैठ नहीं पाते हैं, वहां पर इतने सारे कैसे बैठते होंगे। तो कहते हैं भैया उनके शासन काल में वहां से मोक्ष जाने वालों की चर्चा है। एक तीर्थंकर का शासन तब तक चलता है जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। उस काल में जितने मुनिराज मोक्ष गए उनकी चर्चा उस गाथा में की जाती है। लिंग
यद्यपि अलिंग से मोक्ष होता है लेकिन फिर भी द्रप से पुरुष वेद से पुरुष लिंग से मोक्ष होता है। फिर लेस्योपाद स्थान लेस्या और उपपाद स्थान और इनके विकल्प से साध्य सिद्ध करना चाहिए साधुओं के भेद। संयम की अपेक्षा से सुरत की अपेक्षा से प्रतिसेवना की अपेक्षा से तीर्थ की अपेक्षा से लिंग की अपेक्षा से और लेस्या की अपेक्षा से और उपपाद स्थान की अपेक्षा से और स्थान इन आठ अनियोगों के द्वारा पुलाक आदि मुनियों में भेद होते हैं। इनका विस्तार आप जितना समझना चाहें उतना कर सकते हैं। आज आपका नौवा अध्याय आपके तप और त्याग के साथ श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि में संपन्न हुआ है और कल से नौ दसवें अध्याय जो साक्षात मोक्ष को बताने वाला और दर्शाने वाला है ऐसे दसवें अध्याय की चर्चा कल आपकी प्रारंभ होगी। उसकी चर्चा करेंगे और हो सकेगा तो हम और आप जल्दी ही उस मोक्ष पद को भी प्राप्त करने की कोशिश में लग जाएंगे। तो ऐसे दसवें अध्याय की चर्चा आपके बीच में आएगी कल और नौवें अध्याय का स्वाध्याय आपका हो गया। पुनः आप सबसे निवेदन है कि दस अध्याय के स्वाध्याय के पूर्ण होने के बाद आप जो भी स्वाध्याय जिस अनियोग का प्रथमानियोग को छोड़कर द्रव्यानियोग कर्णानियोग चरणानियोग जो भी ग्रंथ का स्वाध्याय वाचन सुनना चाहते हैं वे अपना सुझाव अपना नाम अपना उम्मीदवारी वोटिंग डालकर अरुण भैया जी के पास या जो ग्रुप बना हुआ है उसमें पहुंचा सकते हैं ताकि हम और आप उसी की चर्चा में लग जाएं। अब दो तीन दिन हमारे पास में शेष है जो दसवें अध्याय को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि पहले से आपको सूचना दे दी जाए, पहले से आप और हम तैयारी में रहें, अपनी मानसिकता बना के रखेंगे कि अब हमको किस चीज का स्वाध्याय करना है, द्रव्यानियोग का करना है, समय सार का करना है, प्रवचन सार का करना है, 24 ठाना जीव कांड कर्म कांड स्टोप देश आत्मानुशासन। हम लोग ग्रुप में ऐड नहीं है तो कैसे वोट देंगे? कैसे वोट देंगे? वोट तो ये दे देंगे कि आप अपना नाम बता सकते हैं, अरुण भैया से जुड़ सकते हैं और ग्रुप में आप अपना नाम उनको पहुंचा दीजिए, वो आपका नाम लिख लेंगे। ग्रुप में नहीं है हम लोग तो कैसे पहुंचाएं? उनको अपना नाम पहुंचाइए, अपना नंबर पहुंचाइए कि भैया हम हैं, हमको ग्रुप में जोड़ लीजिए, वो आपको जोड़ लेंगे। नंबर नहीं है भैया? आपका नंबर नहीं है तो कैसे आप लाइन में है? नहीं नहीं उनका नंबर नहीं है अरुण भैया का, तो नंबर से नहीं होता ना, मिल जाए नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। कातंत्र रूपमाला का ग्रुप बना हुआ है, उस कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, अन्यथा आप हमारे पास में अपना नंबर भेजिए, हमारा नंबर लिख लीजिए और आपका नंबर फिर आप अरुण भैया जी के पास में हम पहुंचा देंगे। 9826144655 तो हमारा नंबर है, तो हमारे पास में आप भेजिए, हम आपका नंबर अरुण भैया जी के पास में पहुंचा देंगे जिनसे आप जुड़ जाएंगे। चलिए, अब किसी को कोई शंका समाधान कुछ करना हो तो कर सकते हैं, दो तीन दिन का समय और हमारे पास में है इस तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय के साथ। फिर वैसे कल भैया अरुण भैया जी से चर्चा करके निर्णय कर लिया जाएगा कि आगामी स्वाध्याय आपको कौन सा कराया जाएगा। चलिए भैया, प्रतिसेवना का अर्थ एक बार और बता दीजिए, समझ नहीं आया। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का अर्थ तो अभी मैंने बताया ही नहीं। प्रतिसेवना का अर्थ मुनि वाले जो मुनि होते, वो प्रतिसेवना मुनि जो होते हैं उसका अर्थ अभी मैंने बताया ही नहीं है। प्रतिसेवना का मुनि का मतलब यह है कि जो किसी मुनि राज से जुड़े हुए होते हैं, किन्हीं संघ से जुड़े हुए होते हैं, उनको प्रतिसेवना नाम के मुनि कहलाते हैं। कि तीर्थ कौन से तीर्थ में हुए, आदिनाथ के तीर्थ में, महावीर के तीर्थ में,
इस प्रकार प्रतिसेवना की चर्चा और विस्तार से हम आपके बीच में कल करेंगे। जी जी भैया, और किसी को कोई पूछना हो जिज्ञासा करना हो तो? भैया जी, सम्यक दृष्टि और बाकी सबके एक जैसी निजरा होती है क्या? अलग अलग होती है ना निजरा? संख्यात गुणी होती है, संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, सभी के असंख्यात गुणी होती है, एक से दूसरे की असंख्यात गुणी, सभी की असंख्यात गुणी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पहला सम्यक दृष्टि जीव है, उसको 100 रुपए दिए, सुन रहे हैं आप? उसको 100 रुपए, आप 100 रुपए दिए दूसरे वाले को और उसमें 100 का गुणा करके दिए। अच्छा, सम्यक दृष्टि जीव को 100 रुपए दिए। अब सम्यक दृष्टि के बाद में आया श्रावक, तो श्रावक को 100 में 100 का गुणा करके दिए, कितने हो गए? 10,000 को फिर 100 में गुणा करके दिए, 1,00,000। हाँ, उसका असंख्यात गुणा करना है, पहले वाले से दूसरे वाले का असंख्यात गुणा, दूसरे वाले से तीसरे वाले का असंख्यात गुणा। माने असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा का मतलब ये नहीं है कि सबको 100-100 रुपए पकड़ा दिए जाए, नहीं, उससे उसका असंख्यात गुणा, उससे उसका असंख्यात गुणा होता है, ऐसा जानना चाहिए। एक बार अरुण भैया जी अपना नंबर स्क्रीन पर चला दीजिए ताकि सब लोग चैट में लिख दिया। ठीक है, देखिए अरुण भैया का नंबर आ चुका था, आप लोग उनके पास अपने समाचार पहुंचा दीजिए। एक बार फिर डाल दो भैया जी। भैया जी, विसंयोजना कैसे होती है? कैसे परिणाम होते हैं विसंयोजना में? कैसे परिणामों से विसंयोजना परिणाम होते हैं? ये तो मैंने अभी, मेरे को हुई नहीं है। विसंयोजना है क्या वर्ड? हाँ, विसंयोजना का मतलब होता है परिवर्तन करना, विसंयोजना का मतलब है परिवर्तन करना, और वो केवल अनंतानुबंधी कषाय के साथ चलती है। अनंतानुबंधी कषाय सबसे ज्यादा खतरनाक है, उस अनंतानुबंधी कषाय को आप प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वल रूप परिवर्तित कर देना, इसका नाम है विसंयोजना। और विसंयोजना केवल अनंतानुबंधी कषाय की होती है, अन्य किसी की नहीं। और बोलिए भैया जी, ये 42वां सूत्र और 44वां सूत्र बता दो। कौन सा? इसी अध्याय का? हाँ, इसी का ही 42वां। अरे भैया, कौन सा है 42 नंबर का सूत्र, थोड़ा सा दिखाइए। है विचारम द्वितीयम। अभी बता रहे हैं, आ रहे हैं भैया। हाँ बोलिए, अविचारम द्वितीयम, क्या इसका अर्थ? हाँ, इसको एक बार ये शुक्ल ध्यान समझ में नहीं आया पूरा। अविचारम द्वितीयम, अब इसकी चर्चा कल करेंगे। जो जो आपको ध्यान नहीं समझ में आए हैं वो आपको कल आपके बीच में रख दिए जाएंगे, क्योंकि आज का समय तो हो ही गया है। ये तो शंका समाधान की बात अलग, समझाना अलग। भैया जी, ये कुशील नाम क्यों रखा? वो ही तो मैंने आपसे कहा था कि कुशील से मतलब पाप नहीं समझ लेना, ये कुशील का मतलब है कसाय का उदय जिनके है, दोनों की परिभाषाएं मैंने आपके बीच में रखी थी, है ना? नाम एक शब्द और आता है, जब प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति के नीचे बलात्कार, उसका मतलब क्या है? वो उसका अर्थ दूसरा लोग, मतलब बलात्कार का मतलब वो बलात्कार नहीं समझना, बलात्कार एक गांव है, नाम का एक संघ है, उसके हम आप अनुयायी है, काष्ठा संघ चला था जिस समय दिगंबर और श्वेतांबरों का ज्यादा दबदबा चल रहा था, परिवर्तन हो रहा था, उस समय विवाह किया जा रहा था कि दिगंबर आमनाय में कौन के हैं, तो कुंद को नामनाय के अंतर्गत बलात्कार गण, हम और आप, अभी वर्तमान में जो हमारी प्रशस्तियां लिखी जाती हैं उसमें बलात्कार गण ही लिखा जाता है, तो बलात्कार गण का मतलब जो गलत शब्द का अर्थ लगाया जाता है वो यहाँ पर इसका प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर बलात्कार गण का मतलब है एक संघ, एक समूह, आप अन्यायी हैं। काष्ठा संघ आदि आदि संघ बने हुए थे, तो उनके विभाग होते हुए तो हम और आप वर्तमान में बलात्कार गण के समूह से संबंध रखते हैं।
हमारा संबंध बलात्कार गण से है। जैसे अपनी जातियों में गोत्र परिवर्तन वगैरह रहते हैं ना, ऐसे ही आज ऐसे ही हम और आप कौन है, आमना है कुंद को नामना है के बलात्कार गण से संबंधित हम हैं जैनी भाई। और बताइए, और किसी का प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, कोई समाधान? दो तीन मिनट का समय आपके बीच में और है, उसके बाद में दसवां अध्याय की कल चर्चा चालू हो जाएगी। और अरुण भैया जी ने अपना नंबर स्क्रीन पर चला दिया था, आप लोगों को मिल गया होगा, और फिर भी वो आगे कल चालू करेंगे, आपको दिखा देंगे एक बार और दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा और उसके बाद में उन तक संपर्क पहुंचाइएगा। और किसी की कोई जिज्ञासा का समाधान? भैया जी, कल आपने कहा था कि जिन्हानी के लिए आलिया बनाना चाहिए, एक अलमारी बनानी चाहिए, तो अगर घर में अगर 500-100 जिन्हानियां रखी हुई हो तो फिर परिग्रह तो नहीं होता है ना? क्या दिक्कत तो यही है कि घर में 500 जिनवाणी का परिग्रह आपको समझ में आ रहा है, जो रत्न है देवसाज गुरु रत्न, और घर में कचरा भरा हुआ है, घर में लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, वो आपको परिग्रह नहीं लग रहा और जिनवाणी परिग्रह लग रही है। यही कि जो आ जाए उसको आनंदित आनंद हो जाए, जाए नहीं, एक बार आपके घर में कोई श्रावक साधक आर करने आए और जिनवाणी के कक्ष में उसको बैठा दो तो वो सोचेगा मेरी यहाँ सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, सभी मेरे काम की पुस्तकें जिनवाणी यहाँ है, अब मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि तो हमको क्या चाहिए, माँ जिनवाणी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आप सब कौन है? जिनवाणी पुत्र परिवार है। सही है। ये नंबर चल रहा है 9829129858। ये नंबर अरुण भैया जी का आ गया है, जिनका भी जिनके पास ये नंबर ना हो 9829129859 56 56। दोबारा इस पर एक लिखा हुआ है 9829129856। ये नंबर है अरुण भैया जी का, जो आप इनके पास अपना नाम संकेत सुझाव पहुंचा सकते हैं। ये आपको बताएंगे कल कि कितने लोगों का सुझाव, कौन कौन का आया है, क्या पढ़ने सीखने के लिए, फिर वोटिंग के बाद आपको स्वाध्याय कराया जाएगा, कौन के खाते में कौन जाता है सब बताया जाएगा, किन्होंने क्या प्रस्ताव रखा। भैया जी आप बताइए ना, कौन सा पढ़ना चाहिए? उसे पढ़ना तो सभी चाहिए, लेकिन फिर भी एक अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, क्योंकि देखिए आपने कौन सा पढ़ना चाहिए, इसलिए आप उचित बताइए ना, कौन सा उचित रहेगा जो सरल हो। सरल तो सरल करना तो हमारे हाथ में है। वोट तो आने दो कल। हाँ सरल तो करना हमारे हाथ में है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कोई इसकी चिंता नहीं करिए कि कठिन पढ़े के सरल पढ़े, जो भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे उसको सरल करके ही आपको पढ़ाया जाएगा। आप चौथा भाग भी कहेंगे तो चौथा भाग भी पढ़ा देंगे, प्रस्ताव आप लिखकर भेजिए अरुण भैया जी के पास, फिर उसके बाद में वोटिंग चेक करके बताया जाएगा कि क्या आ रहा है आपके साथ। चलिए माँ जिनवाणी की स्तुति करने के लिए सभी लोग अपनी तरफ के बटन